इंदौर के नीरज याग्निक साइकिल चलाने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं। युवा नीरज याग्निक की कहानी बेहद दिलचस्प है और प्रेरणादायी भी। एक्सीडेंट होने के बाद भी वह साइकिल चलाते रहे। 3 हफ्ते में ही 4000 किलोमीटर का टारगेट उन्होंने पूरा किया। आइए उनकी पूरी कहानी जानते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करने वाले नीरज याग्निक को दुर्घटना के बाद ऐसा लगा कि अब वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर में याग्निक ने सोचा, भले कुछ भी हो जाए, मैं अपनी यात्रा पूरी करके मानूंगा। 13 अक्टूबर को कश्मीर में तिरंगा फहराकर राइड की शुरुआत करने वाले याग्निक ने सफर शुरू किया तो कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया जब लगा कि हौसला टूटने वाला है। याग्निक नहीं माने। साइकिल राइड के दौरान जालंधर लुधियाने के बीच फगवाड़ा में दोपहर 12:30 बजे का समय था जब अचानक रॉन्ग साइड से आ रहे मोटरसाइकिल वाले ने गाड़ी ठोक दी। नीरज गिर पड़े और बेहोश हो गए। साइकिल टूट गई। इसके बाद उन्हें पास के ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, लेकिन पैरों में सूजन ज्यादा है, 1 सप्ताह आराम करना पड़ेगा। लेकिन नीरज याग्निक का मन नहीं माना और उन्होंने तय किया कि भले ही एक पैर से साइकिल चलाऊंगा, लेकिन लुधियाना जाने का टारगेट पूरा करूंगा। याग्निक के दिमाग में यह भी आया कि राइड यहीं खत्म कर देता हूं तो दिल टूटकर दिमाग को घायल कर देगा, इसलिए यात्रा जारी रखी। रोजाना 150-200 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर 4000 किलोमीटर की यात्रा शुरू करने के समय नीरज याग्निक भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिलने गए। पंजाब, हरियाणा और रोहतक से होते हुए नीरज दिवाली के 2 दिन पहले धार के पास सेंधवा से गुजरे, लेकिन घर नहीं गए। याग्निक का यही कहना था कि संकल्प जो लिया उसको पूरा करना है। पहले 14 दिनों में ही 2300 किलोमीटर की यात्रा कर चुके याग्निक ने बाकी 1650 किलोमीटर का सफर 3 हफ्ते में पूरा कर लिया। 53 साल की उम्र में 4000 किलोमीटर की राइड को पूरा करने के मामले में देश में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। नीरज का कहना है कि राइड मैंने किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए किए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा में जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। उन्होंने कन्याकुमारी में यात्रा पूरी की, वहीं तिरंगा फहराया और अब वे विमान के द्वारा मुंबई से इंदौर आ गए। इंदौर आने पर उनके सभी मित्र साइकिल प्रेमी एयरपोर्ट से घर तक जुलूस के रूप में ले गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।